चलिए, प्रतिशत, शत यानी सौ, शत यानी शत यानी शतक, समझते हो ना तुम, क्रिकेट देखते होंगे तो शतक बना दी सचिन ने, है ना, तो शत यानी सौ और प्रति यानी हर एक सौ पर, प्रति यानी प्रति छात्र, मतलब हर एक छात्र, अपन बोलते ना प्रति छात्र, प्रतिदिन मतलब हर दिन, प्रतिदिन हर दिन, प्रति छात्र हर छात्र, प्रतिशत हर सौ पर, हर एक सौ पर, हर एक सौ पर कितना, दो रुपया, हर सौ पर दो रुपये, तो सौ सौ के कितने नोट है इसमें, सौ सौ के कितने नोट है, और हर सौ के नोट पे दो रुपये ब्याज है, दो रुपये ब्याज है, तो कितना ब्याज हो गया, दो धाम बीस, बीस रुपये प्लस उसका खुद का धन कितना, हजार, तो कितने देने पड़ेंगे एक महीने बाद हमको, एक हजार बीस रुपए देने पड़ेंगे, हजार तो उसका मूल है और बीस रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए, जो क्या कहलाएगा, ये आवाज कहां से आ रही है, तो बीस रुपए आपने जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो ब्याज कहलाता है, समझ गया मेरी बात को, अब देखो कैसे निकाला ब्याज आपने, एक हजार का है ना, ये का की जगह गुणा का निशान आएगा, का मतलब भी गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ये दो और प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, सौ, और दो जीरो से दो जीरो खत्म, है ना, तो कितना रह गया इधर, सॉरी दस, इधर दस रह गया आपका, और गुणा में कितना रह गया बेटा, दो, तो दस गुना बीस, ये बीस रुपए आपको अलग से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दिस इज ए इंटरेस्ट ट्वेंटी रुपीस, तो एक हजार का दो परसेंट अगर आपको निकालने का पूछा जाए तो आप बीस बोलेंगे, समझ गए ना,